This video is brought to you by AlaiLearn, a companion in your learning. Hi, last part में हमने sequences को define किया था और उसकी limit क्या होगी. That is, we have given sequences and definition of limit of a sequence. In this part, we will take some examples of sequences and we will learn how to use the definition of limit of a sequence. अब एग्जाम्पल वन हमें शो करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n इक्वल टू 0. यानी अगर हम एक्स एन इक्वल टू 1 बाई n लें तो हमें क्या शो करना है, द सीक्वेंस एक्स एन टेंस टू 0. यानी 0 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन. अब देखिए कैसे करेंगे हम. अब डेफिनेशन रिमाइंड करिए, उसमें क्या था, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, दैट इज एक्स एन माइनस एक्स, इसको लेस देन एप्सिलॉन करना है हमें. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल कंसीडर एक्स एन माइनस एक्स. यहां पे एक्स क्या है, 0 और एक्स एन 1 बाय एन. सो कंसीडर मोड एक्स एन माइनस x, that is 1 by n minus 0. Now this one equals to 1 by n minus 0, 1 by n, और इसका modulus क्या होगा, 1 by n. अब ये हमें क्या करना है, we have to make this less than epsilon. So this one 1 by n is less than epsilon if n is greater than 1 by epsilon. ये क्या implies करेगा, अगर इसको हम डिवाइड कर दे एप्सिलॉन से और एन को इधर लेके जाए, दैट मीन्स एन ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन. नाउ हमें एन किससे बड़ा चाहिए, एक नेचुरल नंबर से. अब देखिए मान लो ये हमारे पास रियल लाइन है, ये है 1 बाय एप्सिलॉन. अब इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा, लेट के विद द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन. अब अगर हम इससे बड़ा नेचुरल नंबर लें एन, अगर k से बड़ा कोई नेचुरल नंबर लें तो वो 1 बाय n से भी बड़ा होगा, सॉरी 1 बाय एप्सिलॉन से भी बड़ा होगा. तो जैसे ही वो 1 बाय एप्सिलॉन से बड़ा होगा, हमारा ये 1 बाय n, दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन. सो चूज k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट k इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन. सो इफ n is greater than equals to k, अगर n हमारा k से बड़ा है, then 1 by n minus 0 is less than epsilon, which implies by definition of limit, limit 1 by n equals to 0. This is how to work with definition of limit. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. वी हैव टू शो दैट लिमिट 1 बाई एन स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0. अब देखिए x n क्या है, यहां पे 1 बाई एन स्क्वेयर प्लस 1. तो सबसे पहले तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. नाउ कंसीडर, we have to consider x n minus x, that is 1 by n square plus 1 minus 0. Now this one equals to 1 by n square plus 1, और ये positive number है, so we can avoid this modulus sign. So that is, this one equals to 1 by n square plus 1. अब देखिए n square plus 1, ये n स्क्वेयर से बड़ा होगा और जो n से बड़ा होगा, सो अगर हम रेसिप्रोकल लें यहां पे, तो 1 बाय n स्क्वेयर प्लस 1 इज लेस देन 1 बाय n स्क्वेयर, व्हिच इज लेस देन 1 बाय n. सो दैट मींस दिस 1 बाय n स्क्वेयर प्लस 1 इज लेस देन 1 बाय
एन स्क्वेयर विच इज लेस देन 1/n ना, जैसे हमने यहां पे चूज किया था, सो 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एन ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन. सो चूज के बिलोंग्स टू एन सच दैट के इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन. इफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के देन 1/n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन विच इंप्लाइज लिमिट 1/n स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दैट इज द सीक्वेंस 1/n स्क्वेयर प्लस 1 कन्वर्जेस टू 0. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. फाइंड लिमिट 3n प्लस 1 बाय 2n प्लस 5. हमें ये लिमिट फाइंड आउट करनी है. अब देखिए जो लिमिट की डेफिनेशन थी हमें, वो हमें लिमिट तो नहीं बताती. अब देखिए इस सीक्वेंस की लिमिट क्या हो सकती है, पहले हमें वो फाइंड आउट करना होगा. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट एन इंट्यूशन ऑफ दिस लिमिट. तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 3n प्लस 1 बाय 2n प्लस 5. नाउ लेट डिवाइड बाय n. तो क्या होगा, ये 3n को n से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 1/n, और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 5/n. अब देखिए जैसे जैसे n को इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे, 1/n कहाँ पे जाता है हमारा, 0 पे, और 5/n भी कहाँ पे जाएगा, 0 पे. तो दैट मीन्स दिस टेंड्स टू 3/2. अब हमारे पास एक इंट्यूशन है कि इसकी लिमिट 3/2 हो सकती है. Now let verify this intuition with the help of definition of limit, जिसको हम epsilon delta definition भी बोलते हैं. So now let come to the question. तो सबसे पहले तो let epsilon greater than 0. Now अब हमारे पास xn ये है, और x क्या लेंगे हम, 3/2, जो हमारा intuition है. So that means consider 3n plus 1 by 2n plus 5 minus 3/2. Now this one equals to, ये simple calculations है यहाँ पे, and so this one is less than equals to 13/n, which is less than epsilon if n is greater than 13/epsilon. Choose k belongs to n such that k is greater than 13/epsilon. So if n is greater than equals to k, then 3n plus 1 by 2n plus 5 minus 3/2 is less than epsilon. So this implies limit 3n plus 1 by 2n plus 5 equals to 3/2. Let's see one more example. In this we have to show that limit b की power n equals to 0. अगर b हमारा 0 से 1 के बीच में है तो. Now let epsilon greater than 0, then consider mod b की power n minus 0, which is equals to b की power n. एंड b हमारा क्या है, पॉजिटिव है, सो b की पावर n पॉजिटिव होगा. सो वी कैन अवॉइड दिस मॉडुलस साइन, सो वी हैव b की पावर n. नाउ इसको हमें किससे लेस करना है, एप्सिलॉन से. सो b की पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन इफ, अगर हम दोनों साइड लॉगरिथम ले, दैट मीन्स log b की पावर n लेस देन log एप्सिलॉन. दैट इज if n log b less than log epsilon. अब देखिए b हमारा कहां से कहां है, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव. जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. सो अगर log b से हम डिवाइड करें, वी हैव इफ n ग्रेटर देन
लॉग एप्सिलॉन बाय लॉग बी। देखिए नेचुरल लॉगरिथम जो है उसका जो ग्राफ है हमारा, नेचुरल लॉगरिथम का ग्राफ कैसे आता है, लॉग वन पे उसकी वैल्यू जीरो, तो ऐसा ग्राफ होता है हमारा। दैट मीन्स जीरो से वन के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे हमने ये यूज किया कि बी हमारा जीरो से वन के बीच में है, सो के बिलोंग्स टू एन सच दैट के ग्रेटर देन लॉग एप्सिलॉन बाय लॉग बी। सो इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के देन बी की पावर एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, विच इंप्लाइज लिमिट बी की पावर एन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज द सीक्वेंस बी एन कन्वर्जेस टू जीरो फॉर जीरो लेस देन बी लेस देन वन। आई थिंक इट इज क्लियर दैट हाउ टू वर्क विद डेफिनेशन ऑफ लिमिट। सबसे पहले हमें एप्सिलॉन कंसिडर करना है, देन वी हैव टू कंसिडर एक्स एन माइनस एक्स, यानी जो हमें लेस देन एप्सिलॉन बनाना है उसको कंसिडर करेंगे, वी विल मेक लेस देन एप्सिलॉन, और लास्ट में हमारे पास क्या इनइक्वालिटी आएगी कि एन ग्रेटर देन समथिंग, उसमें हमेशा हमारे पास ऐसी इनइक्वालिटी आएगी दैट इज एन ग्रेटर देन समथिंग। देन वी हैव टू चूज के ग्रेटर देन दैट राइट हैंड साइड, और सिर्फ आगे लिखना है हमें ये होगा। लेट मी गिव यू सम एक्सरसाइज फॉर यू, दीज एक्सरसाइज आर सिमिलर टू दीज एग्जाम्पल्स, सो यू कैन ईजिली डू दीज एक्सरसाइज, सो ट्राई दीज एक्सरसाइज योर सेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू राइट ए प्रूफ ऑफ एनी वन ऑफ दीज गिव ए कमेंट, वी विल गिव यू द सोल्यूशन ऑफ दैट एक्सरसाइज। थैंक यू। फॉर बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड डिटेल्ड नोट्स साइन अप एट alailearn.com. Don't forget to submit your feedback at comment section of the alailearn.com. Thank you for watching.